आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब हुआ एकता ही ताकत है। स्टोरी पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन हैड थ्री सन्स। एक बूढ़े आदमी के तीन लड़के थे। अनफॉर्चुनेटली दे वर ऑलवेज क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से, वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। His efforts to reform them, live at peace, proved futile. वो ये चाहता था कि वो शांति से रहें और इसके लिए उसने प्रयास भी किया। एफर्ट का मतलब प्रयास, रिफॉर्म मतलब सुधारने के लिए, बट फ्यूटाइल था वो। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, बेकार रहा उसका प्रयास। This makes the old man extremely sad. इसकी वजह से जो बुढ़ा आदमी था वो बहुत दुखी हो गया। He did not know how to set them right. Set them right का मतलब उनको ठीक कैसे करें, ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। At last, when he lay on the death bed, he hit upon a plan. Death bed का मतलब होता है जब मरने वाला था, तो उसके दिमाग में एक बात आई। He sent for a bundle of sticks. उसने एक बंडल लकड़ियां मंगवाया, मतलब उसमें कई सारी लकड़ियां थी। एंड कॉल्ड हिज सन टुगेदर, और अपने बच्चों को बुलाया। ही आस्क्ड द यंगेस्ट टू ट्राई टू ब्रेक द बंडल। उसने बड़े वाले को बोला कि आप इस बंडल को तोड़ो, उस बंडल में कई सारी लकड़ियां थी। तो उसने ट्राई किया। ही केम अप टुक अप द बंडल ऑफ द फैगट्स, exerted his utmost but failed to comply with the wishes of his father. तो इसका मतलब हुआ, he came up and took the bundle of faggots. वो लकड़ियों का जो बंडल था उसने उसको पकड़ा, exerted his utmost, utmost मतलब था अपना सारा एफर्ट उसने लगाया, but failed to comply, लेकिन उसको उसका जो विश पूरी करना था अपने फादर की कि वो लकड़ियों को तोड़ दे, तो फेल टू कंप्लाई का मतलब होता है वो उसको नहीं कर पाया। ही गेव द अटेम्प्ट्स एज फ्यूटाइल। तो उसका जो प्रयास था वो वेस्ट हो गया, यानी यूजलेस था। तो हम आगे देखते हैं। द सेकेंड सन डिड नॉट फार बेटर। दूसरे लड़के ने भी बहुत अच्छा नहीं किया। फार बेटर का मतलब होता है उससे अच्छा, ठीक है। ये वर्ड फ्यूटाइल का मतलब होता है कि बेकार। दस द ओल्डेस्ट वन बाज ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो जो सबसे बड़ा था निसंदेह वो सबसे ताकतवर था और उसको अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। तो वो स्टेप्ड फॉरवर्ड का मतलब वो आगे आया। He set the bundle against his knees and did his level best. उसने जो बंडल था अपने घुटनों के पास रखा और पूरी ताकत लगा दिया। Not to speak of breaking the bundle, he could not even bend it. हम क्या कहें कि बंडल तोड़ने की बात तो छोड़ ही दी जाए, वो तो उसको टेढ़ा भी नहीं कर पाया। तो He threw away the bundle. उसने बंडल को फेंक दिया and took his seat and hung his head in shame. वो जाकर के बैठ गया, अपना सिर शर्म से झुका लिया। बात समझ में आ रही है ना? Now my son, said the father to his youngest son. तब पिता ने अपने सबसे छोटे लड़के को बोला कि untie the bundle and try to break each stick separately. अब इस बंडल को खोल दो और एक एक लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करो। ही एट वंस कट द स्ट्रिंग। तो छोटे लड़के ने तुरंत ही जो बंधी हुई थी रस्सी उसको काट दिया एंड फाउंड दैट इट वॉज नॉट एट ऑल एन अपहिल टास्क। और उसको ये पता चला कि ये जो एक एक लकड़ियों को तोड़ना बहुत मुश्किल का काम नहीं था। तो He broke each stick quite easily. वो हर टुकड़ों हर लकड़ियों को बड़े आराम से तोड़ दिया। Now you see, said the father. तो पिता ने कहा, when the sticks were tied together,
जब सारी लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी, दे वर टू स्ट्रांग टू बी ब्रोकन बाई एनी वन ऑफ यू, तो वो बड़ा डिफिकल्ट था कि उनको आप में से कोई भी एक आदमी उसको तोड़ सकता. बट वेन दे फेल अपार्ट, लेकिन जब वो अलग अलग हो गई तो दे कुड बी ब्रोकन इजली, तो उनको बड़े आराम से तोड़ा जा सकता है या तोड़ा जा सकता था. तो सो माय सन, इसलिए मेरे बच्चों, इफ यू होल्ड टुगेदर लाइक ए बंडल ऑफ स्टिक्स, नॉट टू स्पीक ऑफ डूइंग यू सम हार्म, नोबडी विल बी एबल टू टच ए हेयर ऑफ योर हेड. ये कह रहा है फादर कि इसलिए मेरे बच्चों, इफ यू होल्ड टुगेदर लाइक ए बंडल ऑफ स्टिक्स, जैसे वो बंडल ऑफ स्टिक्स जो लकड़ियां बंधी हुई थी, वैसे तुम लोग भी एक दूसरे के साथ मिलके रहोगे तो, और यदि किसी का नुकसान नहीं करोगे तुम, तो कोई भी, नोबडी विल बी एबल टू टच ए हेयर ऑफ योर हेड, तो तुम्हारे सिर के बाल तक कोई टच करने के लिए साहस नहीं करेगा. मतलब तुम लोग जब यूनाइट रहोगे, एक दूसरे से मिले रहोगे, एक साथ एफर्ट लगाओगे, कोई भी काम करोगे, तो हर आदमी को डर होगा कि नहीं नहीं इनसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है. बट इफ यू आर डिवाइडेड लाइक स्टिक्स सेपरेटली, लेकिन यदि आप सब लोग अलग अलग हो गए, योर एनिमीज विल फाइंड इट नो डिफिकल्ट टास्क टू हार्म यू, तो आपके जो दुश्मन होंगे तो एक एक को नुकसान पहुंचाने में उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, एंड एवरी वन ऑफ यू विल कम टू ग्रीफ, और हर आदमी दुखी हो जाओगे, हर आदमी परेशान हो जाओगे. तो इसलिए रिमेन यूनाइटेड बाई सेंस, तो हमारे मेरे बच्चों बिल्कुल एकता के साथ रहो, नो वन डेयर टू हार्म यू, जब तक आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहोगे कोई आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. द सन्स प्रॉमिस्ड टू एक्ट अपॉन इट, द एडवाइस हैड इट्स इफेक्ट. बच्चों ने यह प्रॉमिस किया कि निश्चित रूप से जो आपने कहा है उस बात को हम लोग मानेंगे, और ये जो सलाह थी उसके पापा की, उन बच्चों के पापा की, उसका बहुत प्रभाव पड़ा. अब आगे देखते हैं. तो दे गेव देयर ओल्ड वेज ऑफ लाइफ एंड बिगन टू लिव लाइफ इन यूनिटी, तो उनका जो पुराना तरीका था रहने का, एक दूसरे के साथ लड़ने का, उन्होंने उसको छोड़ दिया और अब एकता के साथ रहना स्टार्ट कर दिए, मतलब एक दूसरे से मिलके रहना और शांति के साथ. द ओल्ड मैन ब्रीथ्ड हिज लास्ट सून आफ्टर दिस, इसके बाद जो उनके पिता थे वो मर गए. तो कहानी का मोरल क्या है? मोरल है यूनाइटेड वी स्टैंड, यदि हम एक दूसरे के साथ मिलके रहें तो हम स्ट्रांग रहेंगे, डिवाइडेड वी फॉल, यदि हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से हम गिर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. थैंक यू.